हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? केरला के टूर में आज मैं थेकड़ी से एलिपी जा रही हूँ। मेरे केरला टूर का लास्ट एपिसोड में मैंने थेकड़ी की काफी सारी जगहें कवर की। थेकड़ी के एपिसोड्स आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर के चेक कर सकते हैं। थेकड़ी से एलिपी जाने के लिए लगभग 4 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमने एक वाटरफॉल भी देखा, तो हमने यहाँ थोड़ी देर रुककर थोड़ी फोटोज भी क्लिक करी। थेकड़ी से एलपी जाते वक्त मुझे काफी सारी रबर के प्लांट्स भी दिखाई दिए। केरला से इंडिया का सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है। काफी लोग केरला टूर की शुरुआत कोची से करते हैं और फिर कोची से एलपी जाते हैं। मैं एलपी केरला टूर के एंड में विजिट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक दिन के लिए स्टे करूँगी। आज हम स्टे करेंगे एक होम स्टे में। इसका दिन का पर डे का 2000 का प्राइस था। इस प्राइस में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। एक दिन में एलपी में स्टे करने के लिए ये काफी अच्छी डील मिल गई थी हमें। ये होम स्टे काफी सीनिक जगह पर लोकेटेड है। यहाँ से बगल में ही आपको पूरा बैकवाटर्स दिखाई देगा और चारों तरफ काफी हरियाली है। यहाँ पर पहुँचते ही मैं थोड़ी देर नज़ारों को एंजॉय करने के लिए झूले पर बैठ गई। A few moments later. सामान रख के मैं लंच करने के लिए आ गई हूँ सरवना भवन में। ये हमारे होम स्टे से आधे घंटे की दूरी पर है। यहाँ से लंच करके हम एलपी के बैक वाटर्स में शिकारा राइड पर जाएंगे। लंच करके अभी मैं आ गई हूँ शिकारा राइड के लिए। ज्यादातर शिकारा की वड़ा कैनल में पार्किंग होती है, तो आपका राइड हवेली रिजॉर्ट या फिर राजीव बोट जेट्टी के पास से स्टार्ट होती है। सही गाधा, चल चल चल। जब तक हमारी राइड स्टार्ट होती है, मैं आपको थोड़ा बैक वाटर्स के बारे में बता देती हूँ। बैक वाटर्स एक बहुत ही यूनिक चीज होती है, जहाँ अरेबियन सी से सॉल्ट वाटर और रिवर से फ्रेश वाटर मर्ज होते हैं। केरला का बैक वाटर्स काफी सारे रिवर्स, लेक्स और नेचुरल और मैन मेड कैनल से बना है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको बैक वाटर्स और अरेबियन सी के बीच में कोची और एलपी दिखाई देगा। ऑटो पायलट। जो हम अभी कैनी रिपे जाएगा, उधर एक टर्मिनल है, फ्लोटिंग वाला टर्मिनल है, उधर जाके फोटो ले सकता है। ओके। और उसके बाद हम इकल वाला पॉइंट जाके फोटो ले। ओके। एलपी का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का बैक वाटर्स में चलने वाले हाउस बोट्स। हमने थोड़ा प्राइस एक्सप्लोर करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम हाउस बोट में नहीं रुकेंगे, क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा हाई थे। 3 से 4 घंटे की राइड का कॉस्ट हमको 2500 का पड़ा। हम लोग बस 2 ही लोग थे, इसीलिए शिकारा का कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पर लग सकता है। अभी हम अपने पहले स्टॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर हम स्पीड बोट में बैठेंगे। ये जगह फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छी है। यहाँ आपको लोग प्री वेडिंग शूट भी करते हुए दिख जाएंगे। सेफ्टी फर्स्ट। इसको पकड़ो।
स्पीड बोट का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का रहता है। स्पीड बोट स्टार्ट होते ही काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है। बोट की स्पीड काफ़ी थी तो काफ़ी तेज़ हवा भी लग रही थी। फिर बोट ने जब स्पीड में टर्न लेना स्टार्ट किया तो तब थोड़ा डर भी लगने लगा, क्योंकि बोट काफ़ी स्पीड में टर्न ले रही थी। हमारा स्पीड बोट राइड फाइनली ख़त्म हुआ जब टर्निंग लेते लेते हमारी बोट पर सडनली ब्रेक लगाया गया। इससे पूरा पानी हमारे ऊपर इतने स्पीड से आया कि हमारे कपड़े पूरे गीले हो गए। ओवरऑल स्पीड बोट का एक्सपीरियंस अच्छा था। राइड कराने के लिए बोला था, बात कराने के लिए नहीं। वो है नहीं था। वही तो, राइड कराने के लिए बोला था, बात कराने के लिए। क्या पाइनएप्पल क्यूआर है? अब मैं आपको थोड़ा कैना केरी फ्लोटिंग टर्मिनल के बारे में बता देती हूँ। ये टर्मिनल अपने सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको खाने पीने की शॉप्स भी दिखाई देगी। लोकल्स ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से सनसेट का व्यू काफी अच्छा आता है। ये एलएपी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर हब है। अभी बहुत हिल रहा है एक्चुअली। चलें। हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि हमारे शिकारा बोट के ओनर ने अरेंज किया था। हमें बीच में प्यास भी लग गई थी तो हमने एक शॉप पर भी स्टॉप लिया था। छोटी छोटी कैनल्स को पार करते हुए अभी हम निकल गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आज के दिन यहाँ रेस्टोरेंट्स बंद थे, नहीं तो हम कुछ खाने के लिए भी स्टॉप लेते थे, वो हमने मिस कर दिया आज। बोट के टॉप के ऊपर बैठ के नज़ारों को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग था। बैक वाटर्स के कारण यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है। यहाँ आपको लोग बोट्स में ट्रेवल करते हुए दिखेंगे। स्कूल्स के पास भी खुद की बोट्स होती है जो कि बच्चों को ड्रॉप करने के लिए ट्रेवल के लिए यूज में लाई जाती है।
अभी मैं आ गई हूँ मेरे दूसरे स्टॉप पर, जहाँ मेरी मुलाकात हुई एक इतने सुंदर ईगल से जिसका नाम कृष्णा है। ये एक पेट ईगल है जिसको छोटे से रखा गया था। इसको हमने हमारे हाथ पर बिठाया। ईगल के जो क्लॉज होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। पहले मैंने इसको नॉर्मल स्किन पर बिठाया था तो काफी चुभ रहा था मुझे। फिर मैंने अपने शर्ट के स्लीव्स पर बिठाया, लेकिन तब भी ईगल क्लॉ का शार्पनेस फील हो रहा था। इसकी पकड़ काफी मजबूत थी, बट इसका कलर बहुत सुंदर था और ये काफी शांति से बैठा हुआ भी था। कम इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ। नहीं, वो उसी हाथ में रहेगा। किसको दे दिए हो भाई? हमको हमको किसके हाथों पर बिठाए हो? ये तो हमसे ज्यादा डरा हुआ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया तो ये काफी डर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा डरा हुआ है, ईगल या फिर मेरे हस्बैंड। A few moments later. अभी हम वापस रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि हमारी राइड कंप्लीट हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। अभी हम यहाँ से निकल के अपने होम स्टे जाएंगे। तो ये था मेरा एलपी का टूर। अभी मैं यहाँ से थोड़ा डिनर पैक करके होम स्टे ले जा रही हूँ। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा कॉम्बो मिल गया था। मैंने चिकन टिक्का और पराठे का कॉम्बो लिया। खाने का क्वालिटी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में आपको केरला टूर के लास्ट एपिसोड में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।